guys, what's up? Assalamu alaikum. So it's time for like birthday moment. Actually birthday nahi, but celebration, ek alag kind of celebration hai. I'll show you what kind of celebration I'm doing today. And bahut achhi baat ye hai ki mere khas bestie, he came back. मैं बहुत याद करते रहता हूँ. सो ही इज़ हियर. सो भाई का नाम है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप सबको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, यासीन भाई की बर्थडे है, लेकिन यासीन भाई सेलिब्रेशन पे उतना नहीं जोर दिए, लेकिन जो बच्चों के लिए जो चीज़ लाए हैं ना, बेस्ट उन लोग की मन की पसंद की जो चीज़ है वो लाए आज. तो हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर. तो यासीन भाई को ख़ास मुबारकबाद दीजिए और दुआ की गुजारिश सबके लिए. आई टेल यू वन थिंग, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक्चुअली नहीं बनाना चाहिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ. अब मेरे वीडियोस अगर समझो एक 500 to 1000 पीपल्स अगर देखेंगे और उसमें से एक भी बंदा अपनी बर्थडे पर, आई डोंट वॉन्ट टू से लाइक बर्थडे, या फिर कभी साल में एक बार भी जो है ना एक अनाथ आश्रम गया, गरीब बच्चों की मदद करा, जिसके माँ बाप नहीं है वैसे जनों की मदद करा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. माशाल्लाह से केक रेडी है और बच्चे बोले कि फ्राइड राइस बहुत पसंद है, तो वो लेके आए लोग के लिए. चलो साथ मिलके खाते हैं लोग के, आ जाओ. शेक को हम क्रीम स्टोन लाती, टोपी डालती. शेक क्रीम स्टोन पे क्या खिलाती? वल्लाही हबीबी माफी मुश्किल ऐशे ही अना जीब माफी मुश्किल माशाल्लाह रो दवाज नफर माशाल्लाह वो जहम ज्यादा है ना माशाल्लाह इशादा कुल्लू मुश्किल है ना. क्या बोले, राखी आदमी निकल गया हाथ में से. अरे ज़्यादा लाइट शेक बोले तो अपने में ही नहीं है बंदा. चलो इब्राहिम भाई वो पुके दिलाओ मेरे को. अब होना पुके कितने होना दिख रहे ना, वो पुके होना मेरे को. कितने दिलाते, कितने कितने दिलाते? आई लव यू में कितने आते वरना? तीन आते ना, वो दिलेंगे तुम्हें. क्या है कि थोड़ा दूर रहो, तुम दूर रहो थोड़ा सा. मैं ले तू. दिस इज इंडिया, लव इंडिया, एक साथ पूरे छोड़ने वाला. शेक को टोपी डालती, क्रीम स्टोन लाती, बहुत पैसा खर्च कराती. शेक थैंक यू शेक एंड वेलकम बैक टू इंडिया शेक. आ जाओ ऊपर जाके खाएंगे अपन. सो आई विल टेल यू क्रीम स्टोन इज माय फेवरेट, बट बहुत रेयर आते रहते हो, बहुत रेयर. क्या है बड़े लोगों की जगह है यहाँ पे, इसीलिए जो है इब्राहिम भाई आते किच आगे समझो हम लोग. शेक तुम क्या खिलाते शेक? शेक क्रीम स्टोन पे ऊपर लेकर आती, पूरी कैटलॉग देखती, फिर मेन्यू देखती, उसमें से सीजनल आइटम क्या चलती बोले तो सीजनल आइटम. घर का फर्नीचर ले रहा है कैटलॉग. हाँ तो क्या मंगाती? सीजनल स्टार में से सीताफल खाती. सीताफल खाती, ये नहीं मिलता वहाँ. हमारे को क्या मिलाती? कम मिलता वहाँ बहुत. ओके तो सऊदी में सीताफल नहीं मिलती? नहीं मिलती, नहीं मिलती, कम मिलती, पहली बार देखती वहाँ. पहली बार देखती. हाँ सीताफल सीजनल आइटम में है, आइसक्रीम सीताफल खाती, खा के थोड़ी डका लेती. वहाँ पे नजर क्यों डालती? उसमें बहुत पसंद पानी आती. हाँ उसमें पानी आती, उसमें से फिर जस्ट गो नट्स पे. ओके ड्राई फ्रूट डिलाइट. ओके अमाउंट देखो शेक तुम रियाल लाती काई को देखती? मियाँ खमसे सितीन, मियाँ खमसे सितीन रियाल इश मुश्किल है ना माफी मुश्किल है ना जी खलास तानी ईजी चॉकलेट्स वंडर्स. शेक न्यूटेला नहीं खिलाती? चॉकलेट्स
चॉकलेट 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 न्यूट्रेला इधर आती न्यूट्रेला खिलाती न्यूट्रेला क्रंच खिलाती मियां 65 रियल देती शेख हमारे को न्यूट्रेला खिलाती बहुत ज़्यादा बकवा करती इसके वजह से हम वहाँ से कैमरा हटाती हमारा हम व्लॉग लेती बहुत ज़्यादा बकवा कर रहे हैं न्यूट्रेला सीताफल एंड दिस इज ड्राई फ्रूट शेख हमारे को 3-3 आइसक्रीम खिलाती न्यूट्रेला फेवरेट भी दिलाती इधर नज़र भी नको डालत ना दिस इज सीताफल वन ऑफ माय फेवरेट कल बेहतरीन खांसी होने वाली है केक नहीं दिला इब्राहिम भाई मल्लू जो है ना आइसक्रीम होता भाई होता चलो जाओ बाय बाय खाने दो आज की वीडियो बनाने का एक मकसद था ऐसा नहीं कि शो ऑफ करना कि मैं वहाँ पर गया एंड ऑल ऐसा है मेरा मकसद क्या है कि अगर कोई भी एक जना इस पर अमल करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर जो है ना उन लोग को कुछ सामान की ज़रूरत है स्पेशली एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है अगर आप लोग में से कोई हेल्प करना चाह रहे हैं तो आई गिव यू माई गूगल पे नंबर एज़ वेल एज़ आप लोग जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मेरी ये ID है एंड मेरा ये गूगल पे नंबर है अगर कोई हेल्प करना चाह रहे हैं तो यू कैन हेल्प उन लोग को एक वॉशिंग मशीन दिलाने का एक वादा करके आया मैं आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए लाइक फ्राइड राइस एंड ऑल खा के वाई बिकॉज देखो बिरयानी खा खा के तो बस हो जाता उन लोग को तो उन लोग की जो ख्वाहिश थी उस हिसाब से आप लोग भी ऐसा करो कि पहले मालूम करो वॉट दे वॉन्ट टू ईट उसके बाद जो है ना उस चीज़ को लेकर जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा क्या बोलते हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे ऑर्फनेजेस है यार जहाँ पर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स नहीं है पेरेंट्स है भी तो क्या है बहुत सारों के पेरेंट्स जो है ना उन लोग को अनाथ आश्रम में लाकर छोड़ दे रहे हैं पैसा नहीं होने की वजह से एंड ऑल कई सारे मजबूरियों की वजह से जो है ना वो लोग ऑर्फनेजेस में अपने बच्चों को जो है ना छोड़ दे रहे हैं तो आई मीन टू से दैट थोड़ी सी हेल्प कर दो उन लोग की तो बेहतर रहेगा एंड थैंक यू सो मच